हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। फिल्म सिटी बनाने पर यूपी और महाराष्ट्र आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना और एनसीपी जहां इस मुद्दे को महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश करार दे रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर की वजह से उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी का विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र से बॉलीवुड को छीनने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने यह साफ किया कि बॉलीवुड को छीनने की जो बात कही जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, वो गलत है। यूपी फिल्म सिटी पर अब विवाद क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो सियासत पूरे चरम पर। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का शिवसेना पर बड़ा हमला, बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का दबाव बन रहा है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा मोहसिन रजा साहब ने। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी हो या संजय राउत जी हो, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयान वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी वो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था अच्छी दी है। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां पर प्रताड़ना है और यहां पर आजादी है, सुरक्षा है, साइट सीन्स है, सभी कुछ है प्रदेश में। मुझे लगता है कि संजय राउत जी की हालत और शिवसेना की हालत, उद्धव ठाकरे की हालत देखकर ये माना जा सकता है कि हमारी फिल्म सिटी की हालत बहुत अच्छी हो गई है, जिस वजह से इन सब की हालत बहुत खराब है।